बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन मरहूम की तीसरी बीवी दानिया अमर को गुज़िश्ता रोज़ उनके रहायश के आलोदरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि यह गिरफ्तारी FIA की जानिब से अमल में लाई गई है। दानिया अमर पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसकी वजह से डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन ज़हरी तौर पर बहुत ही डिस्टर्ब रहे थे। उनको बहुत ही गुस्सा था इस बात पर, और उसी के बाद डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन अपनी रहायशगाह पर मुर्दा पाए गए थे। तो बहुत देर से ये लोगों को इंतज़ार था कि दानिया अमर से इस बारे में कोई पूछगिछ नहीं की गई, क्योंकि डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन की जो बरहना वीडियोज़ उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल की थी, उनकी वजह से बहुत ही सदमा था, जहनी अजियत का शिकार थे। और उसके बाद डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन की डेथ हो गई उनकी रहायशगाह पर, जिसका कोई भी वाज़ह सबूत नहीं मिला कि उनको क्या हुआ था। तो गुज़िश्ता रोज़ दानिया अमर को FIA ने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके वालदा ने कहा कि 20 से 25 अफराद हमारे घर में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती दानिया अमर को उठा कर ले गए हैं। तो अब इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी, तो सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ अब लीक की गई थी उस हवाले से उनसे पूछगिछ जारी है और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं हम आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।